हाँ खुलिया हुआ में बहुत ज्यादा मजा आता है। हाँ ना यार, ये सेकंड करते करते पतली भी जाऊंगी, वो जो ड्रेस थी ना यार फिट भी हो जाएगी, फिर फिट होंगी तो एकदम मस्त दिखूंगी ना। सब ऐसे बोलेंगे वो देखो आयुष का चल रही है, वाओ वाओ। हाँ अरे अरे अरे, वो देख वो देख वो देख अनु, अब कोई दोस्त नहीं होगा तो अकेले ही बैठेगी ना। लेकिन यार मुझे ना उसके लिए बुरा लगता है, अब देख है उसको हमेशा ऐसे अकेले पड़ी रहती है। एंड वैसे भी डॉक्टर कहते हैं ना ज्यादा अकेले रहने से ना खुद से ही बात करने लग जाते हैं, और अनु तो यार हमारी बचपन से क्लासमेट है, ऐसे अभी पागल हो जाएगी हमारे सामने तो अच्छा नहीं लगेगा ना। लेकिन अचानक से अनु के लिए इतनी सिंपथी क्यों? अरे वो तो मेरे पास हमेशा से ही उसके लिए हमदर्दी थी। तो क्या लगता है मेरे पास दिल नहीं है, मेरे पास फीलिंग्स नहीं है? बस अभी मेरा दिल भर गया यार ऐसे देख के, बेचारी को देख यार आधी पागल दिख रही है बेचारी, अभी ऐसा चलता है तो पूरी पागल हो जाएगी यार, हमारी क्लासमेट बचपन से। एंड वैसे भी मम्मी कहती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, ऐसे हमारे सामने पागल हो जाएगी तो थोड़ी अच्छा लगेगा। तो सही कह रही है, हम लोग को दोस्ती का कदम बढ़ा ही लेना चाहिए। हाँ यार आज हम उससे दोस्ती कर ही लेते हैं, चल चलते हैं। हाँ चल। अनु, हाय। हेलो। कैसी है? यहाँ पे अकेली क्यों बैठी हुई है? अरे कुछ बोल। अरे डर मत, हम तुझसे दोस्ती करने आए हैं। दोस्ती? हाँ देख, हम बचपन से क्लास में रहे हैं, पर तूने कभी दोस्ती करने की कोशिश की है नहीं, तो हमने सोचा कि आज हम ही दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं। अरे सुन तो, तुझे एक मैजिक ट्रिक देखना है। मैजिक ट्रिक? हाँ तो दिखा दिखा। मेरे पास ना एक कॉइन है, एक सेकंड निकालती हूँ मैं। ये देख, ये कॉइन दिख रहा है देखो? हाँ। अब मैं ना इसे मेरे हाथ में रखूंगी ऐसे, ठीक है? तो अभी इसी के ऊपर ना मैं ये बॉटल डालूंगी एंड इसका ये खोल देंगे, ठीक है? अब तूने देखा ना मैंने बॉटल ये कॉइन नीचे रखा था। हाँ। गिली गिली मंत्र छू छू छू, अब जो कॉइन है ना गायब हो गया है। oh, no. हाथ चेक करके देख। ये कितनी फुद्दू है, हमारे जल में हमेशा फंस जाती है। हाँ ना यार, कुछ लोग होते ही हैं इतने डम, बार बार जलने के बाद भी ना आग में हाथ डालता है। ऐसा क्यों करते हो? मैंने कुछ नहीं किया था उनके साथ। हेलो मम्मा। हाँ मैं आ रही हूँ। ओके। अरे लेकिन सुन सुन, कहीं अपनी मम्मी को ना कंप्लेन कर दे, वरना बहुत डांट पड़ेगी यार। अरे डोंट वरी यार, हम इतने सालों से प्रैंक करते हैं, इसको तो आदत ही पड़ गई होगी। एंड वैसे भी आज तक उसने कभी कंप्लेन किया क्या? नहीं तो आज क्यों कर लेगी यार। एंड वैसे भी असली मजा तो रात को आएगा। मतलब तू ना बस अपने डायलॉग याद रखना, आज हम ना और फिल्म शूट करेंगे, ठीक है? अरे अनु बेटा, आज बहुत लेट कर दिया आने में। मानसी बोल रही हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करना। हेल्प? कैसी हेल्प? आयु बहुत बुरी है, उसने मेरे साथ प्रैंक किया, उसने मुझे बेसमेंट में बुलाया अपनी हेल्प करने के लिए, और जब मैं आई तो कोई नहीं था, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मेरी हेल्प कर। तो लिफ्ट से वापस चली जाना। वही तो, लिफ्ट खराब हो गई, वो नीचे आ ही नहीं रही, और उसने स्टेयर्स का दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया, प्लीज मेरी हेल्प कर। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ फिर। अच्छा ठीक है अनु, जल्दी आ, थैंक यू।
मानसी, मानसी मानसी यहाँ पे तो कोई भी नहीं है यार। मानसी कहाँ है? एक काम करती हूँ, उसे जल्द से कॉल करती हूँ। क्या कहो, कोई है? मानसी, मानसी कोई है? मानसी 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 कहाँ है तू? मानसी मानसी, मजा ही आ गया। Are you fresh होके आ जाओ। Okay mom। खुली आंखों से सपना, वो भी इतना डरावना। बाप रे, लगता अनु मुझे अपने दिल से गालियां दे रही है। चलो मैं फ्रेश हो जाती हूँ, लगता है ये सब थकावट की वजह से हो रहा है। वो प्रैंक किया था ना इसलिए। चलो पेट यार, मेरी स्किन खराब कर देता है।
Ha 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 ha.